Welcome friends, now we discuss the formulas and other basic theory for magnetic effects of current. हमारे class 12th के syllabus में जो magnetism का chapter है वो basically दो हिस्सों में है, magnetic effects of current और magnetism के ऊपर. Magnetic effects of current में आप current से magnet का रिश्ता समझते हैं, किस current से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वगैरह वगैरह. और मैग्नेटिज्म में हम लोग अर्थ का मैग्नेटिज्म और वो मटेरियल जिनसे मैग्नेट बनते हैं डाया पैराफेरा उनको हम स्टडी करते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं. हम बात करते हैं फॉर्मूलाज फॉर मैग्नेटिज्म की. सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की. मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हुआ एक्चुअली आप देखिए, अभी आपने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आपने उसमें बोला चार्ज स्टेशनरी है, उसके बाद आपने पढ़ा करंट. करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया उसको आपने करंट बोला. तो करंट का जो इफेक्ट हुआ वो मैग्नेटिक इफेक्ट है. हैं तीन इफेक्ट उसके और हैं, पर आपके लिए यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी करंट एलिमेंट से होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड से होता क्या है, पहचाना कैसे गया, ये लॉरेंस ने पहचाना. और लॉरेंस ने एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया और उस पर लगने वाली फोर्स को स्टडी किया. तो चार्ज जो आया वो प्रोपोर्शनल टू क्यू आया, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी फोर्स बेसिकली एफ इज इक्वल टू क्यू ई आती है. तो अगर चार्ज पर फोर्स डिपेंड कर रही है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो सकता था, परंतु अगले ही स्टेप पे उसने ये भी चेक किया कि फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी. जितनी अधिक वेलोसिटी है उतने ज्यादा फोर्स पर, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है. तब से कंफर्म हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. बाद में उसकी डायरेक्शन की बात भी चेक करी तो किसी डायरेक्शन पर फोर्स मैक्सिमम है, किसी पर मिनिमम है, जबकि इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता, फोर्स हमेशा वहां क्यू ही लगती है. इस वजह से पता लगा ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो लॉरेंस द्वारा निकाली गई इस फोर्स का नाम लॉरेंस फोर्स है. तो एफ क्या है, क्यू वी क्रॉस भी आता है. इन वेक्टर फॉर्म में आपको पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी एज वेल एज बी. फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है. अब मैग्नीट्यूड वाइज एफ इज इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल. यदि एंगल 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी. आइए अब इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स उसको इफेक्ट फोर्स लग करके चार्ज पार्टिकल को उसको हिलाएगा, डेविएट वगैरह करेगा. इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी डेविएट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगती है, परंतु इन दोनों फोर्सेस में सिर्फ डिफ्लेक्शन से या इसके कॉन्सेप्ट से हम कैसे पता लगा सकते हैं, यह हमें सोचना जरूरी है. आइए इसके बारे में एक टेबल समझते हैं. दिस इज अ टेबल फॉर डेविएशंस इन बी एंड ई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज की डेविएशन कैसे हो. डेविएशन का मतलब हुआ ओरिजिनल पाथ से हिलना. तो पहली चीज देखिए, थीटा जीरो या 180 अगर है, इसका मतलब वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल फील्ड के है. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या पहचान है, इसमें डेविएशन तो नहीं होगा परंतु वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जरूर बदलेगा. तो अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर बदल गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल गई. और दूसरे तरह से मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन भी नहीं है पर मैग्नीट्यूड ऑफ वी विल नॉट चेंज. तो इसका मतलब पहली चीज होगी काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बदलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है. और लेकिन दोनों स्ट्रेट पाथ हैं यदि इंसिडेंट एंगल 0 या 180 है. अब हम बात करते हैं यदि एंगल 90 डिग्री टू फील्ड है तो क्या होगा. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखिए पाथ पैराबोलिक हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदल जाएगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ रहेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वी विल नॉट चेंज. तो यहां पर भी ये क्लियर हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड न बदलने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने वाली और इलेक्ट्रिकल में काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी. पाथवाइज डिफरेंस ये है कि मैग्नेट में सर्कुलर पाथ होगा और इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में पैराबोलिक पाथ. अब बात करते हैं यदि इन तीनों के अलावा कुछ भी एंगल है तो उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड में बात बिल्कुल सीधी रहेगी, पाथ पैराबोलिक ही रहेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वी भी बदलता रहेगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में पाथ हेलिकल हो जाएगा और वी का मैग्नीट्यूड फिर भी नहीं बदलेगा. इन शॉर्ट इन सारे केसेस में
पहली बात क्लियर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में काइनेटिक एनर्जी निश्चित रूप से बदलेगी और मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। अब यदि डिफ्लेक्शन है तो मैग्नेट में या तो सर्कुलर पाथ होगा या हेलिकल होगा, परंतु इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक पाथ ही डिफ्लेक्शन के बाद बनेगा। दस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। अब बात रही मोमेंटम की, उस पर भी आपको समझना चाहिए। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिकल फील्ड में बदलेगा और मैग्नेटिक में नहीं बदलेगा। डायरेक्शन वाइज दोनों में बदल सकता है, बदल नहीं भी सकता। आइए अब उसके बाद आता है, जब ये चार्ज पार्टिकल चलता है तो इसको आपने कहा सर्कुलर पाथ पे थीटा 90 पर है। अगर थीटा 90 पर नहीं है तो भी सर्कुलर पाथ का एक रेडियस होता है और वो रेडियस कितना है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। लेकिन सबसे अधिक प्रश्न, सबसे अधिक लॉजिक, सबसे अधिक कॉन्सेप्ट हमारा लगता है थीटा इक्वल्स टू 90 पर, तो रेडियस आता है एम वी बाय क्यू बी। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड जब वेलोसिटी वी को 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड बी में डाल दिया जाता है। आइए अब जब ये पार्टिकल बार बार इसमें घूमेगा तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड कहां से आता है, 2 पाई आर अपॉन वी माने डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उसको निकाला जाता है, इट बिकम्स 2 पाई एम बाय क्यू बी और फ्रीक्वेंसी आती है क्यू बी बाय पाई एम। अब बात करते हैं, सॉरी यहां 2 आना चाहिए, 2 पाई एम। अब हम बात करते हैं साइक्लोट्रोन की। आपको पता होगा साइक्लोट्रॉन एक वो चीज है जिसमें हर आधे साइकिल के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, इसलिए इसका टाइम पीरियड आधा होता है पाई एम बाय क्यू बी और फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय पाई एम। अगर पूरा सर्कुलर पाथ होता तो टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय क्यू बी है और फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय 2 पाई एम है। यहां पर 2 गलत नहीं, गलती से नहीं आया तो उसको आप ध्यान रखेंगे, नीचे 2 है। आइए आगे चलते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ध्यान दीजिए क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसका मतलब करंट से ये पैदा होगा। अब देखिए करंट, तो बायो सावर्ट ने बताया कि हर करंट कैरिंग एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। अब आपके सामने मान लीजिए ये एक तार है, देख सकते हैं आप ब्राउन कलर की तार जा रही है, इसमें करंट ऊपर जा रही है। इस तार में बीच में मैंने ये डीएल एलिमेंट लिया, उससे आर डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट लिया, तो पी पॉइंट पर डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ये डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हैं और कुछ लोग थंब रूल यूज कर सकते हैं। अब तो राइट साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर जाने वाले को हम क्रॉस से कर रहे हैं, जहां पर बाहर आ रहा है उसको डॉट से कर रहे हैं, माने पी पर क्रॉस है, क्यू पर डॉट है। और इसकी वैल्यू कितनी है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये डीएल की है। और जिस समय आपको पूरे की निकालनी है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल कर रहेगी, जिसमें अब यहां पर देखिए जहां पर आपने डीएल क्रॉस आर लिखा है वहां पर आप डीएल आर साइन थीटा भी कर सकते थे और आर को कैप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वेक्टर आर अपॉन मॉड आर विल बी आर कैप, तो वो भी बन सकता है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर और डिस्टेंस ए है, माने ये मेरे पास एक्चुअली अब यूज होता है। अगर मेरे पास इस टाइप का एक मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर है और उसमें देखिए क्योंकि करंट ऊपर जा रही है, इस जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं अल्फा बीटा लिखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और जहां पर फॉर्मूला लिखा है वहां से आउटवर्ड होगा। अब फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यही पर अगर ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर बन जाएगा तो अल्फा भी 90 हो जाएगा, बीटा भी 90 हो जाएगा, तो 2i बाई ए बन जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार से यूज होता है ये, तो 2i पाई ए नीचे लिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग आई करंट कैरिंग कंडक्टर एट डिस्टेंस ए इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई ए। यदि इसको सेमी इनफाइनाइट लिखा जाए, इसका मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, सेमी इन्फाइनेट कब बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, सिर्फ नीचे वाली लाइन है, तब हमारे पास बजाय 2i बाई ए के i बाई ए हो जाएगा। या इस फॉर्मूले में अल्फा को 0 पुट कर देंगे, बीटा को साइन 90 कर देंगे। आइए अब अगला आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका रेडियस r है और उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से एक्स है, मैंने सर्कुलर लूप जैसे कोन बना लिया उसके एक्सिस से एक्स है, तब हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 और पाई आर स्क्वायर को हमने ए लिख दिया इज एरिया ऑफ द कॉइल, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई ए 2i ए अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2।
अब ध्यान दीजिएगा, इसी से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आई इंटू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग कंडक्टर लूप ऑफ रेडियस आर हैविंग एन टर्म्स, अगर हमारे पास ये कहां निकाला है, सेंटर, ध्यान दीजिए कहां निकाल रहे हैं हम, सेंटर। अब अगर सेंटर पे निकाल रहे हैं तो आपके पास म्यू नॉट एन ए बाय टू आर है, उसमें एक्चुअली यहां पर एक्स रख के एक्स को जीरो पुट कीजिए, यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एन से मल्टीप्लाई किया बिकॉज एन टर्न है। अब मान लीजिए सर्कुलर टर्न आपका पूरा नहीं है, थोड़ा उससे कम है, तब क्या मैग्नेट फील्ड होगा, तब आप देखिए तब इस प्रकार से होगा, एंगल थीटा बना हुआ है पूरे सर्कल का, तो थीटा अपॉन टू पाई इस पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक और शब्द आप पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो आपके पास टॉप पे यहां पर आया था, मैंने कहा इससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस फॉर्मूले से डिफाइन होगा। उसमें एम की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम की, एन आई ए, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट फ्रॉम द कॉइल, ए इज द एरिया, और ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं एम की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन है, तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ अगर एल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आई एल बी साइन थीटा है, अगेन एल और बी के बीच के एंगल थीटा है, तो थीटा को आप जीरो पुट कर दीजिए एंगल, तो फोर्स जीरो बन जाएगा, और जहां पर आपने थीटा को 90 पुट किया आपकी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। अब आते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ के ऊपर। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू इट। ये वर्ड थ्रेडिंग लिखा जाता है, मतलब उस कॉइल के अंदर से कोई भी एक कॉइल बनाइए और उसके अक्रॉस बीडीएल बना लीजिए, जैसे गॉस लॉ में आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं, इसमें एम्पेरियन लूप बनाते हैं बी डॉट डीएल, और दैट शुड बी इक्वल म्यू नॉट इनटू आई के बराबर है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सोलेनोइड और टोरॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, सोलेनोइड का और टोरॉइड का दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, और इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा जहां पर भी कैपिटल एन आएगा उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और जहां पर भी स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स आएगा वहां पर टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब इसके बाद आता है, यदि दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास रख दिया जाए तो उनके बीच में फोर्स होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में खास बात समझिए, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मेरी करंट अट्रैक्टिव होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मेरी करंट रिपल्सिव होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट आई वन एंड आई टू, जिनके बीच की दूरी आर है, दैट इज एफ बाय एल। आप देख सकते हैं फॉर्मूले से ये इसका आंसर न्यूटन पर मीटर होगा, और यही वो डेफिनेशन है जिसके बेसिस के ऊपर करंट की डेफिनेशन आज दी जाती है, टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, एक मीटर की दूरी और उनके बीच की फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, बिकॉज म्यू नॉट की वैल्यू 10⁴ पाई की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन होती है, -7 SI यूनिट्स होती है, और इसमें हमारी फोर्स की यूनिट बन जाएगी जो एफ बाई एल की 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इसको आप ध्यान रखें। तो ये हमारा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने साइक्लोट्रोन हम कर चुके हैं, गैल्वेनोमीटर और मैग्नेटिज्म पर बात करनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, यूज इट, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट।